मेरा नाम राजवीर कौर है, मैं भला गली की रहने वाली हाँ नारायणगढ़ भला गली दी। मामला यो है साडा जो मतलब पिछे जी लड़ाई हुई है एक तरीक नी मतलब मैनू मेरी भैन न सारे कुटिया मारिया बहुत ज़्यादा है जिदी सीसीटीवी की कैमरे की वीडियो बहुत वायरल हुई सी। ये मुंडिया ने गोपी ने कंते ने उन्होंने नूह ने कवल ने उन्होंने माँ माँ ने कलबीर कौर ने पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की सिर्फ परचा कट दिता जे अजे तक दोषी फरार है मतलब कोई कुछ नहीं किया है पुलिस ने ना उन्होंने ना अरैसट पाई आ तो दोषी ये शरेआम घूमते पे आ किसी अरैसट नहीं पाई हैगी तो मतलब इदा ही घूमते पे सू जानू मारने धमकिया देन डे जे जो कि आना जाना साड़ी जान से खतरा बनया रहा है तो सानू यह भी धमकी देंगे कि तुम चिट्टे के केस असी अंदर करा देना कोई कोई ना कोई केस पवा के तेरे चिट्टे का जो तुम केस वापस नहीं लिया तो अही चिट्टे का केस पवा के तुम अंदर करवा देना जी। वैसे तो इन्होंने अपना शो किया बसा का काम किया शो कि अं बसा का करते अं चिट्टे का काम करते जी वो आप चिट्टे का काम करते स्मगलिंग करते पुलिस ने सर कोई कार्रवाई नहीं की असं दो बार कमिश्नर को पेश हो गए हैं पर उन्होंने कोई अज तक सुनाई नहीं की सिर्फ एक बार आए छानबीन करके चल गए पुलिस वाले पिछा भी किया इन्होंने साडा पिछा भी करते सानू धमकियां देंगे कि तुसी मतलब जे केस ना ना वापस लिता तो असी तुम चिट्टे के केस फसा के अं अंदर करने तो जानू मार देना जी जो बण दियां धारा लाइया जाए तो जो भी है मतलब साडा सानू इंसाफ दिता जाए तो दोषियों गिरफ्तार किया जाए। साड़ी कुड़ी नू अंदरों खिच के वालों तो बाहर लिया गया बहुत ही कुटिया है इस कुड़ी नू बलबीर कौर नू साड़ी यो मंग है कि सन जो बन दया धारा 452 इन्हें लाई जाए तो दोषियों गिरफ्तार किया जाए तो साढ़े तो जो बनती कार्रवाई उन्होंने उत्ते की जाए तो सानू इंसाफ दिता जाए। इस संबंध में जिहड़ा साडे वल्लों राजवीर कौर के परिवार वल्लों FIR दर्ज है और इस संबंध में असी दोवां धिरां वल्लों एक दूजे ते एलीगेशन लाए जा रहे हैं जिन्हां दे संबंध में असी वेरीफाई कर रहे हैं तो किसी भी दोषी नूं बख्शिया नहीं जाएगा जल्दी तो जल्दी जिहड़े भी दोषी ने उन्हां नूं गिरफ्तार